गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो ये करवा चौथ वाले दिन का ब्लॉग है। सुबह 3:30 बजे उठ गई थी, मैं अलार्म लगाया था तो 4:15 बजे उठ के मैंने सरगी खा ली थी, अपनी रियांश के पापा ने बनाई थी। तो मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही खाया था, मुंह वगैरह धो लिया था। उसके बाद इसको खा के मैंने 2 गिलास पानी पी लिया था, देन हम सो गए थे तीनों ही। रियांश भी उठ गया था उस टाइम हमारे साथ, फिर वो भी सो गया था, वो कच्ची नींद में उठा था इसलिए वो तुरंत ही सो गया था। तो मुझे नींद आने में थोड़ा टाइम लगे था, आधा घंटा। उसके बाद फिर हम उठे थे 7 बजे, मैंने रियांश के पापा के लिए उठ के खाना बनाया था और वो ड्यूटी चले गए थे, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली थी, उन्होंने छुट्टी करनी थी पर नहीं मिली उनको छुट्टी, तो इसलिए वो ड्यूटी गए थे। मैं यहाँ पे इनको मेहंदी दिखा रही थी अपनी, तो ये भी बैठ के मेरे साथ यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो मैंने इनको बोला था कि सोने चले जाओ, पर ये बैठ गए थे मेरे साथ ही यहीं पर। तो उसके बाद हम उठे तो ये ड्यूटी चले गए थे नहा धो के अपना, फिर मैंने भी अपना काम वगैरह किया। मुझे करवा चौथ के व्रत में बस प्यास लगती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, भूख का कोई पता नहीं होता, बस प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ मैंने 2 गिलास पानी पिया था। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ़ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं ब्यूटीफुल लेडीज़ को। तो मेहंदी मेरी 2 दिन पहले लग गई थी, तो अभी तक डार्क है ये मेरी मेहंदी, मैंने इतना काम किया तो भी नहीं ख़राब हुई मेहंदी। तो आज है करवा चौथ, आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था सुबह 3:30 बजे, नहीं 3:30 बजे का अलार्म लगाया था और 4:15 बजे उठी थी। सरगी जो थी, क्या बोलते हैं उसको, सरगी बोलते हैं ना, सेवई की तरह जो होती है वो बनाई थी मेरे पति देव यानी कि रियांश के पापा ने। बस मैंने उठ के खाई है, उन्होंने बोला उठ जाओ खा लो, तो मैंने खाई, 2 ही चम्मच खाई, ज़्यादा नहीं खाई गई क्योंकि मीठी चीज़ नहीं खाई जाती ज़्यादा सुबह सुबह, वो भी 4:30 बजे। तो 3:55 पे मैं खा पी के फ्री हो गई थी, लेट गई थी, फिर उसके बाद हम सो गए थे। तो उसके बाद सो गए थे, फिर वो आज ऑफिस चले गए अपने 8 बजे, आ जाएंगे दोपहर में 3 बजे तक बोला उन्होंने, 3 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा रूम पे। तो मैंने सबसे पहले करा अपना झाड़ू पोछा बर्तन, कपड़े मैंने रात को ही धो लिए थे। हाँ, तो मैं कह रही थी कपड़े मैंने रात को ही धो लिए थे, अभी हैं कपड़े ज़्यादा नहीं। एक बेडशीट मैंने चेंज करी थी वो है धोने के लिए, और एक मेरा सूट जो मैंने रात को पहना था वो है धोने के लिए। कपड़े धोने के बाद मैंने रियांश को नहला दिया था और उसको नहला के मैंने ऊपर भेज दिया, बच्चों के साथ खेल रहा है अभी, जस्ट मैं नहा के आ गई। अब थोड़ा सा मैं नॉर्मल सा मेकअप करूँगी, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक, बस इतना ही करूँगी और मंदिर की सफाई करूँगी। मंदिर की हालत जो है हमारी बहुत गंदी है, हमने नया मंदिर ऑर्डर किया है, अभी आएगा 2-3 तारीख में आ जाएगा, फिर मैं आपको अपना नया मंदिर दिखाऊंगी, क्योंकि हमने मंदिर नहीं लिया अभी तक, बहुत टाइम हो गया है। मंदिर की हालत दिखाती हूँ आपको, बहुत गंदी हो रखी है अभी मुझे। ये देखो हमारे मंदिर की हालत कुछ इस प्रकार है, मेरी माता रानी बहुत गंदी हो गई हैं, धूल मिट्टी जम गई है इनमें सारी, तो ये मेरे को सारा साफ़ करना है। ये सामान जो है मैं कल लेके आ गई थी, ये अलग चौकी, इसके लिए अलग चौकी लेके आई हूँ, वो वाली चौकी, तो वो बिछाऊंगी। और ये सारा मुझे अभी चुन्नी वगैरह सब कुछ धोना है, चेंज करना है। मैं चलती हूँ, थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ। रेडी हो गई, सिंदूर लगा लिया मैंने, बिंदी लगा ली मैंने, ये नग वाली बिंदी ली थी कल नहीं, और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, बस इतना ही। मुँह पे कोई भी मेकअप, कोई मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं किया, बस जल्दी से मुझे मंदिर की सफाई करनी है, उसके बाद मुझे खाने की तैयारी करनी है। मैं अकेली हूँ, वो 3 बजे तक आएंगे, तब तो मुझे सारी तैयारी करके रखनी है। उन्होंने बोला था कि मैं बना दूँगा आके, मत बनाना, पर मैंने कहा थके हुए आएंगे ड्यूटी गए हुए, तो मैं ही बना लेती हूँ। एक तो ना हमारा रूम है बिल्कुल रोड के जस्ट बगल में ही है ना, तो सारी आवाज़ आती है, वॉइस आती है पीछे की। तो चलो चलते हैं, पहले मंदिर की सफाई करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं मंदिर की सफाई करने बैठ गई हूँ। मंदिर में बहुत ज़्यादा गंद हो रखा था, मैंने इतने दिन से सफाई इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई करनी थी, मैं पहले और ही काम में लगी हुई थी, जैसे रूम की सफाई, बेड की सफाई, बाकी जो डस्टिंग वगैरह थी वो कर रही थी। तो यहाँ पे मैं मंदिर की सफाई करने के बाद फिर मैंने अपनी जो चौकी थी वो भी बिछा ली थी, उसके बाद मुँह हाथ धो के दोबारा से फिर मैंने अपनी चौकी लगा के, उन्होंने फिर बोल दिया था कि 3 बजे तक आ जाना कथा पढ़ने के लिए, तो 3 बजे मुझे वहाँ पे भी आना था। फिर 2:45 बजे रियांश के पापा आ गए थे, तो फिर उस समय मैं पूड़ियाँ लगी थी मैंने, तो आधी पूड़ी मेरी बन गई थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो फिर मैं उस काम को छोड़ के कथा सुनने चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा पाठ का जो भी सामान था वो मैंने चौकी में रख दिया था, पूजा पाठ भी कर ली थी अपनी, बस शाम को करनी थी, दोपहर की जो होती है वो कर ली थी। फिर लोटे में जल भर के लेके जाना पड़ता है, जब कथा सुनना पड़ता है फिर सूर्यदेव को अर्घ देना पड़ता है उस जल से,
तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। पहले मंदिर की सफाई करी, अपनी चौकी लगा ली, देन उसके बाद जो भी पूजा पाठ करना था वो कर लिया। यहाँ पे हमारी माता रानी जो है वो चमक गई है बिल्कुल, मंदिर की सफाई मैंने के बिल्कुल क्लीन तरीके से कर ली है। साथ के साथ देखो मैंने अपनी चौकी लगा ली, बट अभी पूजा नहीं किया, अभी यहाँ से जाऊँगी मुँह हाथ धोऊँगी उसके बाद तब जाके पूजा करूँगी। मैं ये दिखा रही थी कि मैंने अपनी थाली भी निकाल ली है यहाँ पे। सो यहाँ पे टाइम हो गया था, 2:30 बजने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो अब पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि कभी भी दीदी का कॉल आ सकता है मुझे बुलाने के लिए। तो रियांश मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, तो उनका पड़ोसियों का ही बेटा था जिनके घर में हमें जाना था, तो वो ये वीडियो बना रहा था, तो रियांश उसको बनाने नहीं दे रहा था, कह रहा था मेरी मम्मा का फ़ोन है इसलिए फ़ोन बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो इग्नोर करना इसको। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर रियांश के पापा आ गए थे, जो भोग का सामान था, जो भी भोग लगाना था वो मैंने शाम को ही लगाना था। यहाँ पे बस जो श्रृंगार का सामान था वो रखा मैंने, नॉर्मल सी अपनी पूजा करी, व्रत का संकल्प लिया और ये कलावा वगैरह बांधा अपने करवे को, लोटे को, मतलब हर चीज़ में कलावा बांधना पड़ता है, तो बस वही छोटी सी पूजा करी। पूजा करने के बाद देन मैंने उसके बाद पूड़ियाँ बनाना शुरू करी, पूड़ी बनाते बनाते फिर मुझे कॉल आ गया था, मैंने आधी पूड़ी बनाई और चली गई। यहाँ पे लोटे में जल भर लिया था क्योंकि कथा सुनने जाना था, तो जल भर के लेके जाते हैं उसमें, फिर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं उस लोटे के पानी से। तो ये श्रृंगार का सामान जो मैं लेके आई थी जिसको चढ़ाना होता है, तो ये मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पर, मतलब रख दिया था अपनी चौकी पर, रख देते हैं इसको, तो ये मैंने रख दिया था। देन उसके बाद यहाँ पे देखो मैं बनाने लग गई गरम गरम पूड़ियाँ, आधी बनाई थी और मुझे कॉल आ गई थी, और पूड़ी बनाए थे हम मीठे वाले जो पूड़े होते हैं वो बनाए थे, कढ़ी चावल बनाए थे, कहते हैं कढ़ी चावल ज़रूर बनाने चाहिए व्रत वाले दिन, तो वो भी बनाया था मैंने। यहाँ पे सब्जी थी वो हम बाहर से ले गए थे, बिकॉज मुझे बहुत लेट हो गया था शाम को, तो वो बाहर से ले के ही आ गए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है बाहर से भी चल जाएगा हमारा। सो इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कथा सुनने के लिए, तो कथा सुनने के बाद मतलब मुझे याद आया कि वीडियो तो रिकॉर्ड करवाई नहीं, तो यहाँ पे ये आपस में अपना करवा बदल रही थी, तीन लेडीज़ जो हैं वो नहीं बदलती आपस में करवा, तो मैंने इन दोनों को बोला कि आप स्टार्टिंग से बदलते हो तो आप दोनों बदल लो, मेरे को रहने दो। फिर इन दोनों ने अपना बदला। देन ये काम करने के बाद हम लोग चले गए अपने छत पे अर्घ देने के लिए सूर्य देवताओं को। सबसे पहले हमने उनको धूप दिखाया यहाँ पे, उसके बाद हमने अर्घ दिया। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए थे सारे, तो शाम की पूजा की तैयारी करने के लिए। तो घर पे आके मुझे याद आया मेरे पास तो नेल पेंट नहीं है और रियांश का दूध भी लेके आना था, तो रियांश का दूध लेने के लिए हम तीनों का ये है कि हम तीनों खुद ही जाते हैं, कोई एक नहीं जाता दूध लेने के लिए, रियांश भी, मैं भी और इस रियांश के पापा भी, तो हम तीनों चले गए दूध लेके आ गए थे। और अपना मेरे को नेल पेंट लेनी थी वो भी लेके आ गई थी। तो यहाँ पे आके मैं फिर उसके बाद मैंने अपना छोटा मोटा काम निपटाया, ना काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे अपना मेकअप करने बैठ गई थी रियांश को, रियांश के पापा ने ले रखा था, रियांश आई थिंक सो गया था यहाँ पे, हाँ सो गया था, जब चाँद निकला था तब उठा था वो भी कच्ची नींद में उठा था तब, तो उसको खाना पीना खिलाया था हमने उसके बाद। तो यहाँ पे मैं रेडी होके इसमें मैं पूरा लुक नहीं दिखेगा, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा मेरा पूरा लुक, वैसे तो देख लिया होगा वीडियो में इंस्टाग्राम पे, तो इस ब्लॉग में मैं इतना ही बताऊंगी, आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको क्या क्या हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे अभी दिवाली के, धनतेरस के, छोटी दिवाली के, सारे ब्लॉग ही मैं अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।